खबर। शोभापुर से विद्युत कटौती से परेशान ग्रामीण पहुंचे बिजली ऑफिस, ज्ञापन सौंपा। जेई ने कहा 3 दिन में समस्या का करेंगे समाधान। पिछले 4 दिनों से ग्राम शोभापुर आसपास के क्षेत्रों में हो रही अघोषित बेतहाशा विद्युत कटौती से परेशान जनता जनार्दन के सब्र का बांधा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग पहले रामलीला मैदान पर इकट्ठा हुए, जिनमें व्यापारी, किसान, युवा, मातृशक्ति आदि शामिल हुए। एकत्रित भीड़ संगठित होकर पैदल ही बिजली ऑफिस की तरफ चल पड़ी। मुख्य मार्ग पर चलते हुए सभी लोगों ने विद्युत विभाग हाय हाय शोभापुर को बिजली दो आदि नारे लगाए। कटौती से परेशान लोगों के हाथ में सांकेतिक रूप से चिमनी, लालटेन, मच्छरदानी रखी थी। विद्युत विभाग पहुंचकर जेई आशीष से वर्तमान में होने वाले अत्याधिक विद्युत कटौती को लेकर कई सवाल किए। परेशान एकत्रित भीड़ ने इस विद्युत कटौती की समस्या का शीघ्र समाधान की मांग रखी। एकत्रित लोग और क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल ने जेई आशीष बागड़े को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कहा विद्युत विभाग बेतहाशा, अनुचित और अघोषित बिजली कटौती पर शीघ्र लगाम लगाए। विद्युत विभाग द्वारा बारिश के पूर्व ही विद्युत मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। कृषि और घरेलू बिजली के फीडर को पृथक कर लोड हो सेपरेट किया जाए, जिससे कि DLF पर लोड कम हो सके। ज्ञापन के अंतिम बिंदुओं में कहा अगर शीघ्र ही विद्युत कटौती का मेंटेनेंस नहीं किया गया तो समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी धरना प्रदर्शन या आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिस जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। विद्युत विभाग जेई के द्वारा 3 दिन में समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। भीड़ के साथ रामलीला मैदान से बिजली ऑफिस तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद रहा। पत्रकारों को तो आप 1,80,000 रुपए दिया है, तो पत्रकारों को हम छापेंगे। बाकी अंदर का क्या मामला है आप जानो? अंदर के मामले में हमें बिजली चाहिए, हमको बिजली से मतलब सर। दूसरी चीज, आप स्टाफ की क्या स्थिति है साहब? क्यों नहीं है साहब? आप लोग खैर ऊपर का कर रहे हैं, अधिकारी उस बात कर रहे हैं। पूरा जमा सर बिजली से इतर यदि अन्य बात करें तो स्टाफ की लापरवाही और जितनी फैकल्टी वाले या जितनी भी है इंटीरियर बात भैया दारू बंद करवाए, इधर मान लो मांस पटोल भैया क्या बात सर? जी सर, प्रति श्रीमान जेई महोदय सोपुर विद्युत विभाग लगातार असमय विद्युत कटौती के संबंध में महोदय विनम्र निवेदन है कि हम सभी सोहपुर ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी बेतहाशा और असमय विद्युत कटौती से बहुत परेशान है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपकी गैर जवाबदेही सामने आ रही है। बारिश के पूर्व आपके द्वारा विद्युत प्रदाय संबंधी कोई भी पूर्व तैयारी नहीं की गई है, जिसका खामियाजा लाइन के हर कभी फॉल्ट होने पर आम जनता को भुगतना पड़ता है। हम सभी क्षेत्रवासी आपसे निवेदन करते हैं शीघ्र इसका निराकरण कर हमें संतुष्ट करें। सबको विदित है कि आसपास क्षेत्र में विद्युत कटौती के लिए आड़े गिरे पोल, घटिया तार, खराब इंसुलेटर, वृक्षों की छटाई ना होना उत्तरदायी है। इसलिए आप शीघ्र ही अपने उच्च अधिकारियों से इस समस्या के लिए अवगत कराएं और हमें राहत प्रदान करें। विद्युत कटौती से आम जनता को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा विद्युत कर्मचारियों की गैर जिम्मेदारी, अनियमितता, फोन का हमेशा बंद रहना एवं आम जनता से रूखा व्यवहार भी गंभीर बिंदु है। अतः इन सब पर विचार कर इनका निदान करें। यदि आपके द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं तो ग्राम एवं क्षेत्र की समस्त जनता आंदोलन, धरना जैसे ठोस कदम उठाने के लिए तत्पर है। निवेदक समस्त ग्रामवासी धन्यवाद। पूरी स्थिति संभालने की प्रयास करेंगे सर, कहें 3 दिन में लिखवा कर 3 दिन इनके, बाकी 14 दिन अपनो ठीक है। रिसीप्ट पर ले लो, रिसीप्ट पर जा पर लिखवा लो। प्रशासन की जवाबदारी होगी चौथा दिन, आशीष भैया चौथा दिन प्रशासन की जवाबदारी होगी। आप जवाबदारी प्रशासन की ले रहे हैं, यदि किसी प्रकार की घटना घटेगी तो आप जवाबदार होंगे, हम नहीं होंगे। हमें मैडम ने फोन लगाया था कि आप शांतिपूर्वक बात रखेंगे, हमने मैडम की बात मानी। आपने मैडम के सामने 3 दिन का समय दिया है, चौथे दिन आपकी जवाबदारी होगी, हमारी नहीं होगी। खबर भारतवर्ष के लिए शोभापुर सोहागपुर से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।